नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बापू को नमन करते हुए उन्हें याद किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। वही महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बापू को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि पुण्यतिथि पर बापू को याद करते हुए उनके नेक विचारों और लोकप्रिय बनाने का हमारा सामूहिक प्रयास है। शहीद दिवस पर देश की रक्षा करने वाले और देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज शहीद दिवस पर उन सभी महान लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने साहसपूर्वक हमारे देश की रक्षा की है। उनकी सेवा और वीरता की हमेशा याद किया जाएगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पुण्यतिथि पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर कहा है कि महात्मा गांधी जी ने हर भारतीय के हृदय में स्वदेशी, स्वभाषा और स्वराज का अलख जगाया है। वही उनके विचार और आदर्श सदैव हर भारतवासी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। आज पुण्य बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि देता हूं। वही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए ट्वीट कर कहा है कि सत्य एवं अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पुण्यतिथि पर शत शत नमन। गांधी जी का आदर्श जीवन और उनके कल्याणकारी विचार हमें सदैव राष्ट्र और समाज की सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। वहीं 12 राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से यात्रा करने के बाद आज बता दें कि रविवार को समाप्त हुई है और कांग्रेस की ये मेगा यात्रा जो है भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह आज श्रीनगर में होगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए 21 पार्टियों को आमंत्रित भेजा गया है, जबकि 5 राजनीतिक दलों के किनारा कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आमंत्रित दलों में केवल 12 विपक्षी दल समारोह में भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। वहीं कुल दल सुरक्षा कारणों के इसके शामिल नहीं हो रहे हैं। वैसे इस यात्रा में शरद पवार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, शिबू सोरेन समेत तमाम बड़े लोग श्रीनगर में समारोह में भाग लेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के औपचारिक रूप से आज श्रीनगर के जम्मू कश्मीर बता दें कि कांग्रेस मुख्यालय में समारोह के साथ समापन होगा। इसके साथ ही शेर ए कश्मीर स्टेडियम में राहुल गांधी इनके नेतृत्व में रैली होगी, जहां पर कांग्रेस और अन्य समान विचारधारा वाले दलों के शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से धूल चटाकर आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप किताब में अपना कब्जा जमा लिया है। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर बीसीसीआई ने पूरी टीम और स्पोर्ट्स स्टाफ को नकद पुरस्कार की घोषणा की है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ट्वीट कर कहा है कि पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ को पुरस्कार राशि के रूप में 5 करोड़ रुपए दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अंडर 19 विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला टीम को बधाई, यह अभूतपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि हमारी युवा क्रिकेटरों ने देश को गौरवान्वित किया है। युवा खिलाड़ियों ने बिना डरे अपना साहस का परिचय दिया है। शाह ने भारत को महिला क्रिकेट में अपना पहला विश्व खिताब मिलने के ठीक बाद ट्वीट किया है और भारत में महिला क्रिकेट आगे बढ़ रहा है और विश्व कप जीतकर महिला क्रिकेट की कद को कई पायदान ऊपर बढ़ाया दिया गया है। मुझे पूरी टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए पुरस्कार राशि के रूप में 5 करोड़ रुपए की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में रात भर रुक रुक कर बारिश होते ही बता दें कि ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी गरज के साथ ही तेज बारिश देखने को मिली है। बारिश के कारण सड़कों पर कई जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। यूपी में कई जगहों पर ओले भी गिरे हुए नजर आए हैं। राजधानी के कई जगहों पर स्थिति काफी
ठंड का देखने को मिला है। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की आफत बनकर आई है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में काफी नुकसान हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में बारिश के दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसमी गतिविधियां बदल रही है। उत्तर भारत में आज भी दिन भर रुक रुक कर बारिश हो सकती है। ऐसे में एक बार फिर से तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड लौट रही है। और बता दें कि दिल्ली एनसीआर में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके वजह से ठंड लौटती हुई नजर आ रही है। और इस दौरान कई जगहों पर बता दें कि ओले भी देखने को मिले हैं, ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। और वही बता दें, मौसम विभाग का ये कहना है कि आज भी इसी तरह बारिश का सितम लगातार जारी रहेगा। राजस्थान में भी कई इलाकों में बारिश जो है आफत बनकर आई है। फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कल से बारिश हो रही है और ओलावृष्टि हो रही है, इससे काफ़ी फसलों का नुकसान होने से किसान काफ़ी मायूस नजर आए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई है। उत्तरकाशी में जोरदार बारिश हो रही है। जनपद के उच्च हिमालय क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आया है। वहीं बता दें कि सीजन की बात करें तो रुक रुक कर हुई ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चमोली से हमारे संवाददाता पुष्कर सिंह नेगी जुड़ गए हैं। पुष्कर, जिस तरीके से ये उच्च क्षेत्रीय इलाकों में बर्फबारी का सितम लगातार जारी नजर आ रहा है, कैसा वहां माहौल देखने को मिल रहा है और किस तरीके से मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा था, ये बर्फबारी का दौर कब तक चलेगा? बिल्कुल, देखिए सोनाली, आपने सही कहा कि मौसम जो है समझ पहाड़ों में जो है खुशनुमा मौसम हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो 48 घंटे का जो अलर्ट जारी किया था उसका सीधा सीधा असर जो है जनपद चमोली ही नहीं पहाड़ी इलाकों में देखने को मिला है। चाहे आप चमोली की बात कर लीजिए या आप जो है रुद्रप्रयाग की बात कर लीजिए या आप उत्तरकाशी हासिल और आपका धनौल्टी की बात करिए, मसूरी की बात करिए, पिथौरागढ़ की बात करिए, मौसम विभाग का जो रेड अलर्ट और येलो अलर्ट जो है जनपद चमोली के लिए भी किया गया था और जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं रेड अलर्ट भी यहाँ पे किया गया था मौसम विभाग के द्वारा। हालांकि मौसम शुष्क है, अगर मैदानी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में कल से ही बारिश हो रही है और अभी का भी जो अभी भी जो चाहे देहरादून की आप बात कर लीजिए, हरिद्वार की आप बात कर लीजिए, ऊधम सिंह नगर की आप बात कर लीजिए, तो यहाँ पर भी लगातार बारिश और बारिश हो रही है। हालांकि पहाड़ी जिलों की अगर बात की जाए तो पहाड़ी जिलों में लगातार बर्फबारी भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि जनपद चमोली की मैं बात करूँ तो जनपद चमोली में लगातार जो है कल से ही जो है ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, चाहे हेमकुंड साहिब हो, चाहे होली हो, चाहे आपका चोपता वाला एरिया हो, यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और केदारनाथ धाम की अगर बात करूँ तो केदारनाथ में जो है लगातार जो है कल से ही जो है बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं जो लोग केदारनाथ धाम में जो लोग इस समय जो पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है, यहाँ पे कार्य भी प्रभावित हुआ। बद्रीनाथ धाम में भी यही कंडीशन है कि यहाँ पे भी मास्टर प्लान के तहत जो काम हो रहा है यहाँ पे भी काम करने में जो मजदूरों को दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। हालांकि टूरिस्ट जो है इस समय जो है उत्तराखंड का दौरा कर रहा है, चाहे आप उत्तरकाशी की बात आप कर लीजिए, पर्यटक पहुंच रहा है, हासिल की आप बात कर लीजिए, बॉर्डर पे रहे हुए चाहे आईटीबीपी हो, चाहे आपका आर्मी की जो सेना हो, दिक्कतों का सामना तो सभी को करना पड़ रहा है। बिजली पानी नलों में जम गया है। बिजली की व्यवस्था की अगर बात करें तो भारी बर्फबारी के कारण, अगर मैं उत्तरकाशी की बात करूँ तो उत्तरकाशी में लगातार जो है कल से ही जो है गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, लगातार जो है यहाँ पे बारिश का दौर भी जारी है और बर्फबारी भी अभी भी होती है। हालांकि जो मैदानी जिले हैं यहाँ पे ठिठुरन पैदा हो गई है और शीतलहर की कहर ऐसे जो है यहाँ पे कोहरा हमको देखने को मिला है। चाहे आप हरिद्वार की बात करिए या देहरादून की बात करिए या ऊधम सिंह नगर की या हल्द्वानी या नैनीताल की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो इस बार जो है आज तक का जो अलर्ट था यानी 48 घंटे तक का जो अलर्ट था, तो अब आने वाले समय में पता चलेगा सोनाली की मौसम कल किस तौर से रहता है, लेकिन अभी भी जो है पहाड़ी जिलों में जो है बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। सोनाली बिल्कुल पुष्कर, लेकिन ये जिस तरीके से बर्फबारी का दौर नजर आ रहा है और सफेद चादर ओढ़े हुए पूरे उत्तरकाशी नजर आ रही है, पर्यटकों वहां पर्यटक पहुंचे होंगे, कितनी खुशी उनके अंदर देखने को मिल रही है?
अब बिल्कुल बिल्कुल देखिए देखिए समझिए, आपने सही कहा कि क्योंकि शीतकालीन पर्यटक जो है फरवरी तक रहता है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में जो है बर्फबारी का दौर जो है पिछले अक्टूबर से शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार का जो मौसम है वो जनवरी और फरवरी के जो हुई गलती की अब जनवरी समाप्ति की ओर है, फरवरी प्रारंभ होने वाला है। तो जब पर्यटक जो है समय जो है, चाहे आप धनौल्टी की आप बात करिए पर्यटक पहुंचा हुआ है, आप हरसिल की आप बात करिए पर्यटक पहुंचा है, मसूरी में पर्यटक पहुंचा है, नैनीताल की अगर बात करी जाए तो नैनीताल में पर्यटक पहुंचा है, जनपद चमोली की अगर मैं होली की बात करूं तो होली में 14 तारीख से जो है यहाँ पर शीतकालीन गेम भी होना है, तो यहाँ भी पर्यटक हजारों की संख्या में पहुंचा है। उत्तरकाशी से लेकर आपका जो चमोली वाला एरिया है, रुद्रप्रयाग है, आपका चोपता वाला एरिया है, मतनेश्वर वाला एरिया है, तो पर्यटक जो है बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहाड़ों में इस समय आ रहा है। हालांकि अगर मैं पहाड़ी जिलों चाहे आप कुमाऊं मंडल की मैं बात करूँ, चाहे अल्मोड़ा हो, चाहे आपका पिथौरागढ़ हो, चाहे ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, पर्यटक लगातार यहाँ पे पहुंच रहा है। अगर मैदानी इलाकों की अगर बात करी जाए तो एक शीतलहर हम इसको कहते थे, तापमान में भारी गिरावट की आई था। प्रशासन की अगर बात करी जाए तो प्रशासन जो है अलर्ट मोड पे आ जाता है, क्योंकि मौसम विभाग जब येलो अलर्ट या ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट जारी करता है तो प्रशासन की जो टीमें होती है, चाहे आपदा प्रबंधन की टीमें हो, चाहे आप SDRF हो, NDRF हो, तमाम सारे लोग जो है अलर्ट मोड पर नजर आते हैं। अगर आपने पर्यटकों की बात करी सोनाली, तो पर्यटक जो है बर्फबारी का मजा जो है ले रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों बर्फबारी जिस तरह से होनी थी वो हो नहीं पाई, लेकिन जनवरी से लेकर पिछले दिनों ये तीसरी बर्फबारी का दौर जो है चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग की पश्चिमी विक्षोभ जो है जिस तरह से सक्रिय एक बार से देखने को मिला है, इसको लेकर पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में जो इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है, और पहाड़ों में जिस तरह से पर्यटक पहुंच रहा है बर्फबारी का आनंद यहाँ पे ले रहा है। बिल्कुल पुष्कर, जिस तरीके से ऊपरी क्षेत्रों में जिस तरीके से बर्फबारी का दौर जारी है और मैदानी इलाकों में भी काफी ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से उत्तरकाशी की तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां के स्थानीय नागरिकों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है काफी समस्याएं आ रही होंगी उनको। बिल्कुल बिल्कुल देखिए समझिए, आपने सही कहा कि जो स्थानीय लोग होते हैं या स्थानीय जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इनको जो है जब बर्फबारी का दौर होता है यातायात व्यवस्था जो है सुचारू करने में बहुत समस्या हो जाती है। स्कूलों में जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में बर्फबारी का दौर इस प्रकार होता है, जो ऊंचाई वाले जो भी जिले हैं, चाहे आप हरसिल की आप बात कर लीजिए, धनौल्टी की बात कर लीजिए, उत्तरकाशी की आप बात कर लीजिए या चमोली की आप बात कर लीजिए, क्योंकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में यहाँ पे जब बर्फबारी होती थी दिक्कतों का सामना जो है प्रशासन से लेकर हो, आपका जो है जो स्थानीय लोग हैं जिनको जो अपने घरों से निकल के बाहर जाना पड़ता है, सबसे बड़ी समस्या जो है स्कूल के बच्चों के लिए हो जाती है, क्योंकि हरसिल की आपने बात करी, उत्तरकाशी की आपने बात करी, तो उत्तरकाशी में लगातार जो बर्फबारी हो रही है, यहाँ पे सड़कें भी जो यातायात के लिए जो खोलने की जो परेशानी होती है, क्योंकि बर्फ जम जाती है, अधिक बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं नलों में जिस तरह से पानी जम जाता है या बिजली की लाइनें जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, प्रशासन को भी और जो स्थानीय लोग होते हैं इनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे जो अधिक प्रॉब्लम जो होती है, जो समस्या होती है सोनाली, वो स्कूली बच्चों को होती है, स्कूली छात्रों को होती है, क्योंकि स्कूल जब खुला होता है यदि प्रशासन उनकी छुट्टियां नहीं करता है तो उनको स्कूल जाना पड़ता है, तो भारी दिक्कतों का सामना जो है उत्तरकाशी के लोगों को करना पड़ रहा है इस समय, क्योंकि यहाँ पर कुछ सड़कें भी बंद हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम विभाग का अलर्ट था, प्रशासन अलर्ट मोड में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हो जाता है या जो गाँव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं अधिक बर्फबारी के कारण जो है बंद हो जाती है, तो इनको खोलने में समय लगता है, क्योंकि हाईवे नेशनल हाईवे तो खुल जाता है, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें होती हैं इनको खुलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, चाहे स्थानीय प्रशासन हो चाहे स्थानीय लोग हों। सोनाली, तरीके से उत्तरकाशी की हम तस्वीर देख रहे हैं और वहां के लोगों को भी काफी परेशानी हो रही होगी, लेकिन पर्यटकों के चेहरे पर अलग खुशी है। शुक्रिया आपका पुष्कर सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से ये उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, उत्तरकाशी में जोरदार बारिश के साथ ही बर्फबारी होती हुई नजर आ रही है, सफेद चादर में लिपटी हुई उत्तरकाशी पूरी नजर आ रही है, और इस तरीके से बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, लेकिन प्रशासन काफी मुस्तैद है और जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी भी थी वो भी काफी सटीक साबित हुई है। मौसम विभाग ने जताया था कि उत्तरकाशी में बर्फबारी का दौर देखने को जारी मिल सकता है और वैसा ही हुआ, उत्तरकाशी में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अब खबर उन्नाव से है, जहां पर वर्चस्व को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, और बता दें कि वहीं मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान घर में घुसकर महिला समेत कई लोगों को पीटा गया है, 3 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस दौरान
अजगैन कोतवाली क्षेत्र के केवाना गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब खबर इटावा से है, जहां पर गुवाहाटी से जयपुर आ रही दवा लेकर ये ट्रक आ रही थी, जिसमें भीषण आग लग गई है और आग शॉर्ट सर्किट से लगने की वजह बताई जा रही है। ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। वहीं एसपी ग्रामीण सतपाल सिंह और मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने दमकल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर किसी तरीके से आग पर काबू पाया है, लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, पूरी ट्रक जलकर इस दौरान राख हो गई। और बता दें कि इटावा का ये पूरा मामला, जहां पर ये ट्रक जलकर राख हो गई है और शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। गुवाहाटी से जयपुर ये ट्रक आ रही थी, दवा लेकर आ रही थी और आग लग गई इस दौरान ट्रक में। काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। एसपी ग्रामीण सतपाल सिंह और मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने मिलकर किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। किसी तरीके की जानहानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से आग लगने की वजह सामने आई है और शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह, और गुवाहाटी से जयपुर आ रही थी ये ट्रक दवा लेकर, इस दौरान यहां पर आग लग गई है, किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया है। वहीं कासगंज में ट्रॉली का टायर चेंज करते वक्त भीषण हादसा हो गया है और इस दौरान पंचर खड़े ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक भारी तरीके से टक्कर लग गई और हादसे में ट्रक चालक जो है दर्दनाक मौत हो गई है। तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे के बाद से दोनों तरफ वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। 3 किलोमीटर तक वाहन की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। वही जेसीबी से ट्रक को हटाया गया है और इस दौरान बता दें कि सिकंदरपुर वैश्व थाना क्षेत्र के कादरगंज गंगा घाट के पुल पर यह हादसा हुआ है और इस दौरान बता दें कि काफी मशक्कत के बाद वहां से ट्रक को हटाया गया और काफ़ी लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं इस मामले को लेकर। और कासगंज में ट्रॉली का टायर चेंज करते वक्त ये भीषण हादसा हुआ है और ईंटों से भरे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वे ट्रक ने भारी टक्कर मार दी है इसको लेकर, और हादसे में चालक की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। वहीं दोनों तरफ वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया। काफ़ी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, आप तस्वीरों में देखिए और किस तरीके से ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसको टक्कर मारी गई है और इस दौरान जेसीबी के मदद से इसको हटाया गया। वहां पर आवागमन जो है वो चालू करवाया गया क्योंकि काफ़ी लंबी कतारें लग गई थी। और इस बता दें कि सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र के कादरगंज गंगा घाट पुल के पास ये पूरा मामला हुआ है, जिसके बाद से किसी तरीके से वहां से ट्रक को हटाया गया, ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाया गया जेसीबी के मदद से, और इस दौरान ट्रैक्टर चालक जो है उसकी मौत हो गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।